वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से क्राफ्टिंग मॉम रितु शर्मा आप सबके सामने हाजिर है और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द क्राफ्टिंग मॉम पर। आज फिर से एक बार आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक किचन रेसिपी और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही जायकेदार, चटाकेदार, चटपटी और मजेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हिट द रेड बटन, द बेल आइकन ऑल्सो। सो आज जो मैं लेकर आई हूँ ये सबने बहुत खाया होगा, दिस इज गुआवा। ये वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसकी एक जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ वो बहुत सारे लोगों ने खाई भी होगी और बहुत सारे लोगों ने शायद सुनी भी नहीं होगी। तो इसकी मैं बनाने वाली हूँ आज चटनी। गाइज, इंडिया में ना खाने के बहुत शौकीन होते हैं लोग और चटपटा खाना तो सबका फेवरेट होता है। मीठा भले ही कम पसंद हो बट चटपटा एवरीवन लव्स, मुझे बहुत पसंद है। सो गुआवा चटनी बनाने के लिए हमें जो चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सो अमरूद की चटनी बनाने के लिए चाहिए ऑब्वियसली अमरूद, थोड़ा सा बड़ा साइज का, एक टोमेटो, गार्लिक क्लोव्स एज पर योर टेस्ट, आप ज्यादा गार्लिक खाते हैं थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, अदरवाइज कम भी डाल सकते हैं, ग्रीन कोरिएंडर, फ्रेश ग्रीन चिलीज, सोनी सुनक्खी ताजी ताजी हरी मिर्चे, एक नींबू और नमक। इतना सारा नहीं डालना, स्वाद के अनुसार डालना है। तो अब ये सब जाएगा एक मिक्सर ग्राइंडर में। धनिया पत्ती, हरी मिर्च, गार्लिक क्लोव्स और नींबू का इस्तेमाल हम सबसे लास्ट में करेंगे, टोमेटो और अब मैं गुआवा को कट करूंगी। जो भी आपको छिलका अगर थोड़ा सा डर्टी लगता है तो आप उसको निकाल दें। एवरीथिंग इज वॉश्ड, अमरूद भी मैंने पहले से वॉश कर लिया था और इसकी सीड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं चटनी में ना। ओके, डन, सब गया मिक्स ग्राइंडर में और अब मैं इन सबको ग्राइंड करूंगी। चटनी को ग्राइंड मैंने कर लिया है, ये देखो। अच्छा, ग्राइंडिंग के टाइम पे थोड़ा सा वाटर की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ी थी तो आप भी थोड़ा सा वाटर उसमें ऐड कर लीजिएगा। सो नाउ आई एम टेकिंग आउट दिस चटनी इन माय बोल। टेक्सचर इसका बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें नमक और नींबू ऐड करूंगी, नमक टेस्ट के अनुसार और नींबू का रस। बीज मैंने निकाल दिए, बच भी गए थे। अच्छा, खाना कितना भी टेस्टी बनाओ साथ में अगर चटनी होती है ना तो चटनी का एक अलग ही रोल होता है खाने के साथ में। और मेरे घर में स्पेशली मेरे भैया को यानी ब्रदर इन लॉ को और सिस्टर इन लॉ और मम्मा, तीन जनों को तो चटनी बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा कम खाते हैं, स्पाइसी होती है चटनी इसलिए वो स्पाइसी थोड़ा कम देते हैं, बट बाकी सबको बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरी स्पेशल रेसिपी, स्पेशल चटनी, अमरूद की चटनी। ये है मेरी स्पेशल रेसिपी अमरूद की चटनी। एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप प्लीज जब आप इसको देखेंगे ना आप बनाइएगा जरूर और उसके बाद कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको चटनी कैसी लगी। जितने बच्चे देख रहे हैं मम्मा से बनवाइए, जितने मेल्स देख रहे हैं अपने वाइफ से बनवाइए या खुद भी बनाइए अगर आप खुद कुकिंग करते हैं तो। बहुत ही अच्छी है, आई कैन गारंटी इट एंड आई लव दिस चटनी। सो वीडियो को, आज बहुत छोटी सी वीडियो है, पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगली बार फिर से एक न्यू क्राफ्ट आइटम या रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।